Hi kids. Hi sir. Good afternoon. Good afternoon sir. आज देखो हम पढ़ने वाले हैं गंगूज स्वीट्स, गंगू के लड्डू या गंगू की मिठाइयाँ। अब देखो, गंगू इज मेकिंग स्वीट्स फॉर ईद, ही हैज मेड ट्रे ऑफ 80 लड्डूज। अब गंगू कोई हलवाई है जो कि क्या बना रहा है, लड्डू बना रहा है। अब जो ये ट्रे है, इस ट्रे में उसने कितने लड्डू भरे हुए हैं? 80 लड्डूज। अब देखो, एक बच्ची आई रबिया, प्लीज पैक 4 लड्डूज इन अ बॉक्स, आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेज। अब वो बोल रही है कि मुझे क्या चाहिए, 23 स्मॉल बॉक्सेज चाहिए लड्डू के, जिसमें एक डब्बे में कितने लड्डू चाहिए उसे? चार। आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेज? अब वो बोल रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जो ये लड्डू रखे हुए हैं इस ट्रे में, क्या उससे 23 स्मॉल बॉक्स भरे जा सकते हैं, जिसमें कि हर एक बॉक्स में कितने लड्डू होंगे? चार। तो कितने लड्डू चाहिए होंगे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? गुणा, इसको किससे करोगे? 23 को 4 से, कितने हो गए? 12 9 9। ठीक है, तो टोटल 23 स्मॉल बॉक्सेज बनाने के लिए, जिसमें कि हर एक बॉक्स में चार लड्डू, कितने लड्डू चाहिए? 92। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, क्या बन पाएंगे? वो बोल रहे हैं कि क्या बन पाएंगे? नो। हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड? अब देखो, उसे चाहिए कितने थे? 92, और हैं कितने? 80। तो कितने चाहिए और? 12 और चाहिए। ठीक हो गया। चलो जी, गंगू ऑल्सो हैज अ बिगर बॉक्स इन विच ही पैक्स 12 लड्डूज, हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डूज? अब वो बोल रहे हैं कि गंगू के पास एक तो वो वाला डब्बा है जिसमें चार भरे जा सकते हैं, और एक उसके पास ऐसे डब्बे भी हैं जिसमें कि एक बार में कितने लड्डू रखे जा सकते हैं? 12। अब वो बोल रहे हैं कि 60 लड्डू भरने के लिए उसे जो 12 वाला लड्डू है, कितने बॉक्स बन पाएंगे इसके? पाँच। क्या किया सर? हाँ, पहाड़ा पड़ा ना, 12 से 12 का पहाड़ा पड़ा 60 तक, तो 60 / 12 कितना हो गया? 5। तो कितने बॉक्स भर पाएंगे उससे? 5। नीलू ब्रॉट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास। नीलू क्या करिए, अपनी क्लास में वो 15 क्या लाई है? स्टोरी बुक्स लाई है, कहानियों की किताबें। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, और आज क्लास में कितने बच्चे आए हैं? 45। अब वो बोल रहे हैं तो कितने बच्चों को एक बुक शेयर करनी पड़ेगी? तीन को। फिर क्या किया हमने, क्या किया? भाग दिया ना, 15 से 45 में भाग दिया 3। अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 60 केजी व्हीट फॉर अ मंथ। ठीक है, 8 लोगों का एक परिवार है जिनको कि एक महीने में कितना गेहूं चाहिए होता है? 60 किलो। तो वो बोल रहे हैं कि एक हफ्ते में कितना लगेगा? एक हफ्ते में। अब ये बताओ कि एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, कितने हफ्ते होते हैं? 7। हाँ, 7 12। एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 लगभग 4। ठीक है, तो 4 से हम किस में भाग देंगे? 60 में, 2 भाग। कितने बार जाएगा? 2 बार। 28। 4 का भाग देना ना 6 तक, कितनी बार जाएगा? 1 4 कम 4 2 20, कितनी बार जाएगा? 5 4 5 4 20। तो कितने किलो एक वीक में कितना लगेगा? 15 किलो। रजिया वांट्स चेंज फॉर ₹500। अब क्या चाहिए रजिया को, क्या चाहिए? 500 के छुट्टे चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि अगर वो किसी दुकानदार के पास गई और वो छुट्टे लेना चाहती है, मतलब उसको छुट्टे लेना चाहती है, तो 100 रुपये कितने नोट मिलेंगे? 500। 50 के? 20 के? 25। 5 के? 100। यू हैव डिस्ट्रीब्यूट 72 टोमेटोज इक्वलिंग 3 बास्केट। आपको जो 72 जो टमाटर हैं, 3 बास्केट्स में बराबर बराबर बांटने हैं। क्या करना है इसके लिए? भाग। बांटने के लिए क्या करते हैं? भाग। कर लोगे इसको? देयर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंड कार्ट। विनोद फाउंड दैट वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी 2 kg। व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स? अब देखो, एक हाथ खींचने की गाड़ी है, उसमें कितनी ईंटें रखी हुई हैं? 350। और एक ईंट का वेट 2 किलो है, तो सबका वेट कितना होगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 70। हाँ, क्या किया इसके लिए? गुणा 700। क्या यूनिट क्या आएगी? केजी। ठीक है, क्लियर है? यस सर।